स्वामी जी, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर फिट रहना, पहले तो हेल्दी लाइफस्टाइल समझना बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, पॉजिटिव थॉट कैसे मन में आ सकते हैं। स्वामी जी, अनहैप्पी लीव का ऑप्शन चाइना में दिया जा रहा है, छुट्टी लो और मस्त रहो, अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो तो दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्वामी जी, बेहतर ऑप्शन तो ये है ना कि पहले से ही अपने लाइफस्टाइल को इतना अच्छा बना लिया जाए कि हैप्पीनेस अंदर से महसूस हो। सुन करके मुझे बड़ी हंसी आ रही है इनके बौद्धिक दिवालियापन पर। मीनाक्षी जी, 50 सालों से मैंने छुट्टी की छुट्टी कर रखी है और 4 साल से तो इंडिया टीवी पर पूरा हिंदुस्तान मुझे देख रहा है, छुट्टी की छुट्टी, रोज रोज योग, रोज कर्म योग, एक ये दो अभ्यास तो हमने सभी को सिखा दिए, ये तो सभी करने लग गए, अब तो सूर्य नमस्कार भी सब करने लग गए, रोज योगिक जोगिंग, रोज सूर्य नमस्कार, रोज दंड बैठक, रोज पावर योगा और योगिक व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान करके मैं कहता हूँ आराम हराम है, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम को तू छोड़ कर बस राम राम कर, आराम की शरण में आ, राम की शरण में तू राम राम कर। तो देखो ये रोज, अब कार्यांतर ही विश्राम है, अब देखो काम करते करते थक गए तो इधर उधर भटकते रहते हैं, मैं कहता हूँ काम चोरा चटोरा हंडोरा कभी सुखी नहीं रह सकता, इधर उधर हांडने से खुशियाँ नहीं मिलेगी, जो ये कर सके उनको तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जो न कर सके कम से कम ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन यहाँ से रोज शुरुआत करनी चाहिए। तो अपने हर काम को ही हम इंटरटेन करके, हम अब जैसे सुबह योग कसो करते हैं तो हम आप हैं, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी, हमारे अमित जी, हुसैन जी भी अभी आने वाले हैं, तो अभी वो योग तंत्र के साथ, अभी लोकतंत्र का जो योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म का जो पूरा एक अनुष्ठान है उसमें लगे हुए हैं, तो आप लोग इसको कोई बोझ मान के नहीं करते हो, खुशी से करते हो, आप लोगों के लिए तो कितना अच्छा हो गया है कि सुबह सुबह चलो प्रोफेशन में भी योग आ गया। मैं तो कहता हूँ सारे ऑफिसेज इंडिया टीवी की तरह योग से ही शुरू हो। स्वामी जी, हम तो अपने आप को इतना लकी मानते हैं, हमारी लोकसभाएं, हमारे आर्मी, हमारे स्कूल जी, कि हमें ऑफिस आकर योग करने को मिलता है और इतनी अच्छी और एनर्जेटिक हमारे दिन की शुरुआत होती है। एक और विषय स्वामी जी, ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन के साथ साथ ही शामिल कर लेती हूँ, आजकल लोग ओवर स्ट्रेस रहते हैं और इसका असर हमारे देश के युवाओं पर साफ दिखाई दे रहा है, गैलप की स्टडी के मुताबिक भारत खुशहाल देशों में तो पीछे है ही, 30 साल से कम उम्र के युवा सबसे ज़्यादा दुखी हैं और वजह यह है कि वो सोशल मीडिया, सोशल पोलराइजेशन, पैसों की तंगी और फिर इसी स्ट्रेस में वो बने रहते हैं, फिर धीरे धीरे ये स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि ये शरीर के हार्मोन्स पर दिखने लगता है और इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। स्वामी जी, हार्मोन्स को बैलेंस कैसे किया जा सकता है, योग अभ्यास के साथ साथ जो विचारों की शुद्धता है, इस स्ट्रेस से बचने का तरीका क्या है? एक बात और स्टडी की आप बात कर रहे तो एक बात बताता हूँ, भूटान में तो भारत से बहुत ज्यादा गरीबी है, मैंने तो अफ्रीका के भी कुछ देश देखे हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा गरीबी है, बड़े खुश रहते भूटान के लोग, बहुत खुश देखे मैंने, नेपाल के भी कुछ इलाकों को छोड़ दीजिए, कुछ इलाकों में बहुत खुश नसीब मैंने लोग देखे, बहुत खुश है, गांव के भी बहुत से लोग बहुत खुश देखे मैंने, जहां बहुत ज़्यादा अमीरी नहीं है वहां पर भी। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक तो ये शीर्षासन करें, जो शीर्षासन कर सके तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, बच्चों को बचपन से ही शीर्षासन करने की आदत डलवाइए, योग की आदत पड़ जाएगी तो बाकी बुरी आदतें, योग का स्वभाव बन जाएगा तो जो बुरा स्वभाव उससे मुक्ति हो जाएगी। एक तो देखो ये शीर्षासन, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, यहाँ चारों ओर पंछियों का कलरव है, पेड़ पौधे हैं, पुष्प खिल रहे हैं, हमारे जीवन पुष्प भी ऐसे ही खिलते रहें, तो ऐसे शीर्षासन और इसी में पद्मासन लग जाए तो बात ही क्या है,
ऐसे पद्मासन ऐसे, कितना अच्छा है ना। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही जरूरी, सर्वांगासन में पहले ही बता चुका, जो इतना भी ना कर सके तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग में शशकासन और बैकवर्ड बेंडिंग में ये देखो सुप्त वज्रासन सुप्त पद्मासन कितने अच्छे हैं। तो ये जो आकांक्षाओं का, अविवेकपूर्ण इच्छाओं का, डिजायर्स लास्ट एम्बिशंस, ऐसी अविवेकपूर्ण कामनाएं, अरे भाई जो भी ईश्वर प्रदत्त हमारे भीतर शक्ति सामर्थ्य विद्या विभूति ऐश्वर्य, उसको जगाओ, अपने आप को सही दिशा में लगाओ, अपने सामर्थ्य को, और खुश रहो ना भाई। परमात्मा ने हमको इंसान बना दिया, इंसान बना करके भारत भूमि पर जन्म दे दिया। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के छोटे से गांव में पैदा हुआ, प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल में, बाद में गुरुकुल में पढ़ा, और सारी कुंठाओं का हमने परास्त किया, सारी कुंठाओं को परास्त किया। लोग कहते थे गुरुकुल में पढ़ा हुआ, संस्कृत पढ़ा हुआ, हिंदी बोलने वाला कुछ नहीं कर सकता, हमको गांव का घमार बोलते थे, बोले ये तो जो है बिल्कुल एकदम घमार आदमी है। और बाईं तरफ पैड़ासी स्पैर दोनों मिलते थे, पेट मोटा सा। अरे भाई आप इन चीज़ों से बाहर निकलो, भगवान ने आपको इंसान बना दिया, आप अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाओ, क्यों कुंठाओं के अंदर दबे पड़े हो। देखो मैं तो रोज उत्साह जगाता हूँ, शौर्य जगाता हूँ, और छत्रपति शिवाजी महाराज की हम कथा भी करवा रहे हैं। इस बार हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज, एक तरफ अपरिमित शौर्य, दूसरी तरफ अपरिमित धैर्य, एक तरफ पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का संकल्प, लेकिन अपनी धीरता को, गंभीरता को, अपनी एकाग्रता को, अपने स्वयं को, अपनी निजता को खंडित नहीं होने देना। तो ये दोनों काम एक साथ, जो मैं दो शब्द बोलता हूँ ना, संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, योग मूलक कर्मयोग, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ पराक्रम, और यही जीवन के मूल सिद्धांत है कि आप अपनी निजता से जुड़े रहें, अपना आपा ना खोएं, फिर पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य आप कायम कर सकेंगे। जड़ों से जुड़े रहो, बड़ों से जुड़े रहो, ये बातें छोटी छोटी है लेकिन रोज हम इसको शब्दांतर से कहते ही रहते हैं। तो मुझे लगता है आज की बातें सुन करके किसी को स्ट्रेस नहीं होगा अब।